हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। मेरा नाम है शिफाली बजाज और मैं आज आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो कोई क्लास नहीं है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर जो मेन मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का, वो मैं आपको आज अपनी सक्सेस स्टोरी, खुद की सक्सेस स्टोरी कि किस तरीके से मैंने अपना नेट का एग्जाम क्लियर किया, वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कई स्टूडेंट्स जो यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से अटेम्प्ट दे चुके हैं उसके बाद भी उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो आई थिंक सो कि काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद सॉल्व होने वाली है। चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, काफी हद तक आपको ये वीडियो काम आएगी। उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी के बारे में बताती हूँ कि मैंने जो है वो इस नेट के एग्जाम को कैसे क्लियर किया। इन रियलिटी इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कि मेरे लिए भी ये जो नेट का एक्सपीरियंस था वो काफी ईजी नहीं था, बहुत टफ था मेरे लिए भी। मैं भी इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे कर लेते हैं, लेकिन मेरे में भी कमी रही कहीं ना कहीं। अब वो कमी कहाँ रही ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पर बताऊंगी। होप सो, शायद हो सकता है कि आपकी कमी भी कहीं वहां रह रही हो या आप फर्दर एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो कमी आपके एग्जाम के अंदर ना रहे। तो आज मैं आपके लिए ये क्लास, ये वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। ये स्टूडेंट्स, तो क्या सिचुएशन रही कि जब मैंने अपना नेट का एग्जाम दिया, मैंने अपने एमकॉम जब मेरी हो रही थी उसी टाइम पर एमकॉम के बीच में जो है मैंने इस एग्जाम को देने के लिए तैयारी की। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे दिया तो ऑफ कोर्स जैसे सबका माइंडसेट होता है कि मुझे इस एग्जाम के बारे में अच्छे से, चाहे मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि एग्जाम एमकॉम के एग्जाम थे साथ साथ में, तो मैं सिर्फ इसका एक एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए ये एग्जाम दे रही हूँ। ये माइंडसेट लेकर मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन तो जरूर की, क्योंकि होता है मन में कि शायद फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए, तो प्रिपरेशन करनी बनती है, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जरूर की, बिना बुक्स वगैरह के प्रिपरेशन की, जहां तक मुझे ऑनलाइन मिल सकता था मटेरियल या अपनी लाइब्रेरी से मिल सकता था कॉलेज की, तो वहां से मैंने मटेरियल लिया और वहां से स्टडी किया मैंने। ऑफ कोर्स एज यूजुअल पेपर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया कि भाई मैंने प्रिपरेशन तो की थी, बट एक्चुअल में क्या था कि वो प्रिपरेशन पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन का 5% भी नहीं था, 5% भी नहीं था, जो मुझे आज पता चल रहा है। ठीक है, तो वो प्रिपरेशन मैंने की और मैं सोच रही थी कि मेरा एग्जाम शायद क्लियर हो जाए, बट नहीं हुआ। कई कहते हैं कि बाय लक क्लियर हो जाता है, तो इस बात को बिल्कुल भूल जाओ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भाई बाय लक एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ऑफकोर्स हमें कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ती है। अब क्या था कि जब एक बार एग्जाम हो चुका था, सेकेंड टाइम जब मैंने एग्जाम दिया, तब भी मेरे एमकॉम के लास्ट फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने जो है सोचा कि अब तो भाई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। काफी हद तक एनटीए का एग्जाम, नेट का एग्जाम समझ आ चुका है कि किस टाइप का होता है, रिटन एग्जाम होता था उस टाइम पर, तो सोचा कि भाई अब तो प्रिपरेशन करके तैयारी करनी है, चाहे एग्जाम है चाहे साथ में कुछ भी है। अब क्या दिक्कत थी कि एग्जाम इतना टाइट शेड्यूल के अंदर आया कि मेरा एमकॉम का एक एग्जाम हो रहा है, साथ के साथ संडे को मेरा जो है वो नेट का एग्जाम है, मंडे को फिर मेरा एमकॉम का एग्जाम है, तो इस तरीके का शेड्यूल पड़ा। ऑफकोर्स प्रिपरेशन नहीं हुई, जितनी करनी चाहिए थी उस हिसाब से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन थी, मोरल और डाउन हो गया कि ये क्या हुआ, मुझे तो लगता था नेट का एग्जाम क्लियर है, मैं तो जिस तरीके से तैयारी करके गई थी मुझे तो लग रहा था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब जब दो बार एग्जाम नहीं हुआ तो हिम्मत बिल्कुल एक तरह से टूट चुकी थी। तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन आई कि मेरा जो है वो लेसिक ट्रीटमेंट था, आइज का ट्रीटमेंट था, तो उस टाइम पर जो है लेसिक ट्रीटमेंट के अंदर मैं अपनी प्रोसीजर के अंदर चली गई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम था उसमें मैं प्रिपरेशन जो है वो उस हद तक नहीं कर पाई जितनी मुझे करनी चाहिए थी। ठीक है, तो थर्ड अटेम्प्ट मेरा फिर जो है लेसिक की वजह से या नहीं पढ़ने की वजह से क्लियर नहीं हुआ। अब दिक्कत ये थी कि बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि नेट का एग्जाम तो क्लियर हो ही नहीं सकता। क्या था, कमी मेरे में थी और मैं सोच रही थी कि क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम क्या हुई मेन, जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। अब क्या था कि मैं पढ़ी भी थी, मैंने टाइम भी दिया था, मैंने मेहनत भी की थी और एग्जाम क्लियर फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जो मेन कारण इसके पीछे क्या थे वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं मेरा एग्जाम क्लियर कब हुआ। ठीक है, तो मेरी जो है वो मैरिज हो गई उसके बाद, तो मैरिज के बिल्कुल 15 दिन बाद फिर मेरा एग्जाम था।
ठीक है, तो वो भी ऑफ कोर्स मैरिज थी, ऑफ कोर्स प्रिपरेशन क्या होनी थी या कुछ भी सिचुएशन रही, प्रिपरेशन नहीं हुई मेरी, मैरिज के बिल्कुल पास एग्जाम था, 15 दिन बाद ही एग्जाम था, बुक बिल्कुल भी टच भी नहीं की थी मैंने, नहीं हुआ क्लियर। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट दिया, हार नहीं मानी, ठीक है, अटेम्प्ट दिया मैंने कि मैं इसे क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अब तक ये समझ आ चुका था कि हर बार मेरी कोई ना कोई कमी रही है कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है। किस कारण से नहीं किया है, वो अलग अलग कारण थे उसके पीछे, बट मैं एक बात सबसे हर बार कहती हूँ कि सक्सेस बहाना नहीं देखती है, सक्सेस को काम चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप काम जो है वो कर रहे हो, सक्सेस के पीछे जो है भाग रहे हो, दौड़ रहे हो कि मुझे जो है वो इसे हासिल करना ही है, तो कोई भी चीज आपको उससे लेने से नहीं रोक सकती। बट मेरे टाइम में क्या था कि मैं सक्सेस के साथ साथ कई और चीजों में इन्वॉल्व थी। ठीक है, कभी मैरिज हो गया, कभी लेसी का ट्रीटमेंट हो गया, कभी क्या सिचुएशन हो गई, कभी मेरा एमकॉम के एग्जाम हो गए, तो ऑफ कोर्स इसलिए सक्सेस मेरे से दूर थी क्योंकि मैं इसके पीछे इतनी जो है हार्ड, जो कहते हैं ना हार्ड वर्क के थ्रू जो है मैं नहीं थी इसके पीछे। तो क्या हुआ भाई, एग्जाम मेरा ऑफ कोर्स मैरिज के बाद क्लियर हुआ, ये मैंने मेहनत की, मैंने एग्जाम फिर दिया, बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मैरिज के बाद भी। ठीक है, वो एक अटेम्प्ट तो जो 15 डेज बाद हुआ था वो नहीं हुआ था, उसके बाद जो है वो मैंने दोबारा एग्जाम दिया और वो फिर भी नहीं क्लियर हुआ, आई टोटली ब्रेक। ठीक है, मैं टूट चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं नेट का एग्जाम नहीं दूंगी, उसके बाद मुझे ये लगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दिन के बाद थोड़ी समझ खुद से आ जाती है कि नहीं, ये गलती है मेरी, मैं गलत जो है डिसीजन ले रही हूँ, अब मैं काफी पास हूँ अपनी सक्सेस की, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड ने भी जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो ऑफकोर्स मैंने कंटिन्यू किया प्रिपरेशन, टीचिंग मैं करवा रही थी अपनी, टीचिंग जो है मुझे पता था कि मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, टीचिंग के थ्रू जो है मैंने काफी स्टूडेंट्स की हेल्प भी की है नेट का एग्जाम क्लियर करने में। मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, मेरा खुद का नेट एग्जाम क्लियर नहीं था, वो कमी जो है वो कहीं ना कहीं ये थी कि मैंने जो है वहां पर, एक दिक्कत ये होती थी कि जब मैं वहां पर एग्जाम ओपन एग्जाम के अंदर एक फ्रेश जो है हमारा एनवायरमेंट के अंदर बैठती थी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं लो हो जाता था। क्यों लो हो जाता था, क्योंकि मेरी जो है वो टाइम मैनेजमेंट में कमी थी, टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। ठीक है, 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो 1 आवर के अंदर हमें कंप्लीट करने हैं वहां पर, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी। और टाइम मैनेज तो बात ही अलग थी, टाइम मैनेजमेंट से पहले ही जैसे ही मेरी एग्जाम जो है मेरे हाथ में आता था, मुझे ऐसा लगता कि टाइम दौड़ रहा है। ठीक है, मेरा ध्यान बार बार वॉच के ऊपर कि टाइम दौड़ रहा है, टाइम भाग रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो मुझे पढ़ने में पूरा टाइम जो है वो फोकस करना था एग्जाम को पढ़ने में, मैं जो है वो ज्यादा टाइम वॉच देखने में लगा देती थी या नर्वसनेस हो जाती थी बहुत ज्यादा, कि फर्स्ट पेपर तो मेरा ऐसे ही निकल जाता था, सेकंड पेपर में टाइम ऑफकोर्स होता था, काफी ओपन टाइम होता था उस टाइम पे, तो सेकंड पेपर तो है वो तो मैं कर लेती थी फिर भी, लेकिन फर्स्ट पेपर में कमी ये थी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार था। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर भी लेती, ठीक है कर भी लेती, लेकिन मैं जो है नर्वसनेस हो जाती थी मुझे वहां पर एग्जाम का एनवायरमेंट देखकर और ये सोचकर कि मेरा टाइम खराब है, मेरे से टाइम में क्लियर होता ही नहीं है, मेरे से टाइम में एग्जाम पूरा होना ही नहीं है, नेगेटिविटी ऑल अराउंड। ठीक है, जब नेगेटिविटी चारों तरफ थी तो एग्जाम क्लियर नहीं होता था। एक कारण मेरा ये था कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करती थी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओ जितने मर्जी हो सकते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर मैं बोलूंगी आपको प्रीवियस एग्जाम के टेस्ट लगाओ, बहुत जरूरी है। चाहे यहाँ पर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, ये मत सोचो कि भाई 50 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन में मैं तो 25 भी क्लियर नहीं कर पाया, मैं 20 भी क्लियर नहीं कर पाई, तो ये चीज नहीं सोचनी है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव रह गए तो बात तो वही की वही पहुंच गई। ठीक है, पॉजिटिव रहना है आपको, सिर्फ ये करना है कि 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चंस पढ़े और कितने आंसर्स उसके दिए। ठीक है, जितना आप क्लियर कर सकते थे तो कितना किया आपने, 1 घंटे में आपने 40 क्वेश्चंस पढ़े तो बहुत कम है, अगर आपने एक घंटे के अंदर 45 क्वेश्चंस पढ़े तो भी कम है। आप 50 के 50 क्वेश्चंस पढ़ सको, उसे क्लियर कर सको, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल नेट और JRF की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हो। अब क्या था भाई, टाइम मैनेजमेंट की कमी आपको पता चल गया, टाइम मैनेज करो। दूसरी क्या सिचुएशन थी कि मैं ऑल अराउंड मैं पूरा वर्क हार्ड कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन जब रिवीजन का टाइम होता था, दैट मीन्स जब एग्जाम के 15-20 दिन बचे हैं या महीना बचा है, उस टाइम पर मेरी बुक और कॉपी जो है वो टच ही नहीं होती थी। क्यों, कोई कारण रहे, ठीक है फैमिली और कोई हो सकता है, या कोई जो है अपने आप का माइंडसेट होता है कि भाई वो चीज हम दोबारा क्यों पढ़े। ठीक है, बोरिंग लगता है ना रिवीजन करना, कई बार ये दिक्कत आ जाती थी।
कई बार जो है टाइम नहीं मिलता था। तो रिवीजन एक बहुत जरूरी चीज है। आपने 4 महीने पहले या 6 महीने पहले उस चीज को पढ़ लिया है तो आप एग्जाम के अंदर उसे ठीक कराओगे, ये कौन कह रहा है? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपका मेमोरी लेवल बहुत भी अच्छा है ना, फिर भी रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट सेकेंड वन इज रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड वन क्या सिचुएशन होती थी मेरे साथ एग्जाम के अंदर जाकर, कि फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, देखो सेकंड पेपर मेरा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी स्टार्टिंग से लेकर इसके अंदर। फर्स्ट पेपर में दिक्कत आती थी, कईयों के सेकंड पेपर में दिक्कत आ सकती है, तो वो भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं मेरी स्ट्रेटेजी। थर्ड जो सिचुएशन आती थी मेरे साथ वो ये था कि मैंने जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको जाकर नहीं मैं हाथ टच करती थी एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मेरा माइंडसेट ये था कि मैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करूंगी, फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी तरीके से चलूंगी। अब क्या था कि जब मैं आपके लेवल में थी तो मेरा रिसर्च बहुत अच्छा नहीं था, टीचिंग ठीक था, ठीक ठाक था, मतलब एवरेज था, और रिसर्च बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद हम बात करें, मेरा आईसीटी अच्छा था, मेरा डीआई अच्छा था, ठीक है, मेरी रीजनिंग अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं नर्वसनेस हो जाती थी ना, रीजनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी अच्छे से। तो क्या था कि मेरी गलती ये थी कि मैं वीक टॉपिक्स को पहले पकड़ लेती थी रिसर्च, और जैसे मैं टीचिंग को वहां पे जाके पकड़ती थी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन टीचिंग और रिसर्च के होते हैं, टीचिंग कहीं हद तक निकल जाता था, रिसर्च मेरे को फंसा देता था। तो मेरा माइंडसेट ये होता था कि अरे यार ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, हो गया नर्वसनेस, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा वो भी नहीं आता है, तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है तो ऑफकोर्स तुक्का। थर्ड क्वेश्चन तुक्का लगाना पड़ेगा, ये भी नहीं आता है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया भाई, खुश हो गए कि फोर्थ क्वेश्चन मुझे आता है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर नहीं आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन फिर नहीं आता है, सेवन्थ क्वेश्चन फिर आता है। तो ये सिचुएशन होती थी। तो सर जैसे एग्जाम के 10 क्वेश्चन करते ही मुझे ऐसा लगता था कि एग्जाम मेरा क्लियर नहीं होना। तो ऑफ कोर्स क्या है, आपका वहां पर कॉन्फिडेंस डाउन होना बनता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। लेकिन जो मेरा डीआई अच्छा था, मेरा कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा था, ठीक है, आरसी अच्छा था, उनको मैं टच ही नहीं करती थी, आईसीटी अच्छा था, तो एग्जाम में नर्वसनेस के कारण मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तो कितना बड़ा वो मतलब गलती है ना मेरी, कि मुझे जो है उन टॉपिक्स को पहले लेना चाहिए जिसके अंदर जो जो मेरे लिए स्ट्रांग है, ठीक है, जो मेरे स्ट्रांग टॉपिक्स हैं वो मुझे पहले कवर करने चाहिए। मैं क्या करती थी, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करती थी और मैं सोचती थी कि मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी, और मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। कॉन्फिडेंस डाउन होते के साथ ही जो है वो मन में ये हो जाता था कि एग्जाम क्लियर नहीं होना। फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया तो सेकंड पेपर को उसका इफेक्ट पड़ जाता था कि सेकंड पेपर अब कैसा जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये करो कि अपने जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं, वो एग्जाम में पहले क्लियर करना, पहले उसको कंप्लीट करना, फिर छोटे मोटे जिसके अंदर कमी है उसे बाद में करना, ठीक है। तो इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। एग्जाम्स, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस पेपर्स लगाओ। सेकंड वन इज आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन भी जरूर करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ट रखो, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी है। और जो चीज जरूरी नहीं है, आप ये कहो कि मैं तो भाई पूरा का पूरा सिलेबस मैं ओपन करता हूँ और सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। स्मार्ट टीचिंग जरूरी है, हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी जरूरी है, हार्ड वर्क स्टडी जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपने प्रीवियस पेपर्स देखो, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कितना डीप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डीपली करो। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक जो है वो डीप होता ही नहीं है या वो एग्जाम में आता ही नहीं है, आप उसे पढ़ने में आपने 3 दिन गवा दिए अपने, गलती है कि नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी करो, जैसे एग्जाम आपको पता है कि आता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, रिसेंट पेपर, अब आपको फर्स्ट पेपर के अंदर तो बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं रिसेंट पेपर देखने के, क्योंकि 5-6 जो है फर्स्ट पेपर होते हैं, 5 से 6, तो आप वो कर सकते हो, उससे देख सकते हो कि क्या एग्जाम आ रहा है, क्या एग्जाम में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। बहुत अच्छा तरीका है ये चीज का, ठीक है। इससे जो है आपकी एग्जैक्टली आपको पूरा सिलेबस नहीं कवर करना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा इसलिए, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क करो, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो टॉपिक आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या जिसका डीपली लेवल कितना है, डीप लेवल ये भी समझ के चलो कि कंसेप्ट, ये बात सुनी होगी, एंटी नेट उसका क्लियर होता है जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जो डीपली उस चीज को समझता है, ठीक है। लेकिन कई कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर डीप बिल्कुल ही नहीं जाया जाता, ठीक है, डीप स्टडी बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती एनटीए नेट के अंदर। तो आपको वो ढूंढना है कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे डीप स्टडी वाले हैं, कौन से टॉपिक्स मेरे डीप स्टडी वाले हैं, और कौन किसके अंदर डीप स्टडी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। मुझे लगता है कि आपका एग्जाम इजिली क्लियर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मेरा भी एग्जाम इसी तरीके से क्लियर हुआ। मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया थ्रू टीचिंग। टीचिंग मैं करवा रही थी, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया, सब बच्चों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया। वो जो है वो बहुत अच्छे से समझते थे मेरी बात को। जिस तरीके से मैं समझाती थी उनको सब समझ आता था। उन्होंने उसी तरीके से जो है इस चीज को समझा, एग्जाम अपना क्लियर किया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उन्हें देखते देखते, ठीक है। उनको टीचिंग करवाकर मुझे जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आने लगा। टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑफ कोर्स इसी तरीके से किया। मैंने तो ये भी किया हुआ है कि मैंने खुद अपने हाथों से मॉक टेस्ट बनाए हैं, मैंने खुद अपने हाथों से क्वेश्चंस बनाए हैं, फिर उन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। देखो, तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन भी की है अपनी। अब जो है, जो आपकी बुक्स की अगर मैं बात करूं, पेपर वन की, अगर कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि पेपर वन के लिए कौन सी बुक अच्छी है पेपर टू के लिए, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ इसी वीडियो के अंदर। पेपर वन के लिए जो मैंने हमेशा से NTUGC नेट का, KVS मदान सर का जो ये आपका आता है बुक, ठीक है, तो वही मैंने यूज की है, वही आप यूज कीजिए। बहुत अच्छी बुक है पेपर वन के लिए। हर एक चीज आपको मिल जाती है। जैसे आपको, अब स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर होता है कि कई बार आपको हर एक चीज नहीं मिलती है अपने सब अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो इसके अंदर वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक चीज मिल जाती है इसके अंदर, जो चीज आप पढ़ना चाहते हो काफी अच्छे से क्लियर किया गया है। सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं, चाहे आपका कोई भी सेकंड पेपर है, कॉमर्स से हो, मेरा खुद का सब्जेक्ट कॉमर्स है, चाहे आप कॉमर्स से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, पोल साइंस से हो, पब्लिक एड से हो, इन्वायरमेंट से हो, कहीं से भी हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तो कहीं से भी आप हो, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी, PG की जो बुक्स हैं उसी के थ्रू पढ़ो। बेस्ट बुक्स हैं वो आपकी लाइफ की, ठीक है, जो आपको नेट के अंदर काम आएंगी वो उसी के थ्रू पढ़ो। वो बहुत है, बहुत सफिशियंट है। प्रीवियस पेपर्स के थ्रू जरूर पढ़ो। प्रीवियस पेपर्स जरूर आपको क्लियर करने हैं, कवर करने हैं। लगभग 3 से 4 प्रीवियस पेपर, 5 प्रीवियस पेपर आप जरूर कीजिए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बहुत जरूरी है। यही मेरी सक्सेस स्टोरी थी। देखो, मैंने भी जो है वो हार नहीं मानी है, ठीक है, कोशिश पूरी की है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, कोशिश पूरी करनी है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर आपको, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप जो है मेरे वीडियोस के लिए आप जो है बेल आइकन प्रेस कीजिए। जैसे ही आपको वीडियोस मिलेंगी अपडेटेड, जो है आपको उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू। और साथ ही साथ मैं आपका यहाँ पर एंटी नेट की डेली लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ। अगर लाइव नहीं होंगी तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डेली यहाँ पर मिल रही हैं। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए वो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपका कमेंट डेली पढ़ती हूँ। जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो कमेंट्स जो है वो आप डेली जो है उसके अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक जो है वो मुश्किल लग रहा है पेपर वन के अंदर। मैं आपको बहुत इजी तरीके से उसे करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेरा एग्जाम एक्चुअल में क्लियर हो चुका है, तो वो मेरे लिए एक गुड लक रहा इसके अंदर। मेरा एग्जाम अब क्लियर हो चुका है, और यही कारण था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैंने मॉक टेस्ट लगाए, मैंने रिविजन को टाइम दिया। रिविजन को बहुत जरूरी है टाइम देना। रिविजन भी मैंने अच्छे से किया, 1 से 2 बार किया, ठीक है। तो वो एक बार तो जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो उसके अंदर क्या था कि जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने, सिर्फ मैंने उनको रिवाइज किया। 3 से 4 बार सिर्फ मैंने उनको रिवाइज किया, कुछ नए बुक के अंदर टच ही नहीं किया, सिर्फ मैंने उनको रिवाइज किया और मेरा नेट का पेपर क्लियर हो गया। बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि नोट्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट होते हैं ना, लेकिन मैंने उसको पढ़ के जो है वो, क्योंकि मुझे वो कंप्लीट पिक्चर मेरे माइंड में थी जब मैंने नोट्स को पढ़ा, तो मुझे कंप्लीट पिक्चर मेरे सामने क्लियर हो गई कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या था, और उसी के थ्रू मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। एंड होप्स आपका एग्जाम भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जाम जल्दी है तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और एक बार ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो यस स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।